हेलो फ्रेंड्स, फूड फ्लेवर सेवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिखाने जा रही हूँ एक वेज मुगलाई रेसिपी। इसका नाम है पनीर नवाबी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। ये बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे घर में बहुत इजीली और झटपट बनाती हूँ ये वाला रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 250 ग्राम पनीर क्यूब, एक बड़ा साइज का प्याज चॉप किया हुआ, एक टेबलस्पून घी, एक बड़ा साइज का टमाटो पेस्ट, आलमंड, काजू और खसखस का पेस्ट, होल गरम मसाला, कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट, एक टीस्पून लहसुन की पेस्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, एक टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, चीनी स्वाद अनुसार, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर। पहले एक पैन में मैं रिफाइंड ऑयल गरम करके जो चॉप किया हुआ अनियन है उसको मैं बेरेस्ता बना लूँ। और इस टाइम आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्याज है वो ज़्यादा ना पके। तो बेरेस्ता बना के मैं इसको एक मिक्सिंग बोल में डाल के इसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। अब अलग एक पैन में रिफाइंड ऑयल गरम करके जो क्यूब किया हुआ पनीर है उसको मैं डाल दिया, और इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके और थोड़ा सा नमक, और इसको मैं शैलो फ्राई कर लेती हूँ। और जब पनीर आप लोग फ्राई करेंगे तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा ना फ्राई हो, तो पनीर का जो सॉफ्टनेस वो चला जाता है, इसका चुई पनीर जो है वो थोड़ा सा च्यूई टाइप हो जाता है। तो देखिए ऐसे सेलो फ्राई कर लीजिएगा मेरी तरह। अब और एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और घी को गर्म करके उसके अंदर मैं डाल देती हूँ वो जो होल गर्म मसाले उसको, और उसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ जब तक उसमें से जो गरम मसाला का जो फ्रेगनेंस है वो बाहर ना निकले। उसके बाद मैं डाल देती हूँ उसमें उसके अंदर लहसुन की जो पेस्ट है उसको, और उसको अच्छे से जब तक रॉ जो फ्रेगनेंस है वो ना आए तब तक वो उसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। उसके अंदर फिर से मैं डाल दिया देती हूँ वो अदरक की पेस्ट, उसको भी थोड़ा सा भून के मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ जैसे कि वो जो मसाला मैंने डाला वो ना जले। अब उसमें मैं डाल दिया देती हूँ वो पेरिस्ता का पेस्ट जो मैंने पहले करके रखी थी वो वाला, और उसको थोड़ा सा भून के उसके अंदर मैं टमेटो जो पेस्ट करके रखी थी उसको मैं डाल देती हूँ, और उसको थोड़ा सा भून के जो पाउडर मसाला है जैसे हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और चीनी डाल के इसको अच्छे से भून लेती हूँ जब तक उसके अंदर से जो ऑयल है वो बाहर ना निकल जाए। देखिए जैसे ऑयल बाहर निकल गया उसके बाद मैं डाल देती हूँ वो कैशू नट्स, आलमंड और खसखस का पेस्ट, और उसको फिर से मैं भून लेती हूँ अच्छी तरह से भून ले जा जब तक अच्छी तरह से भून जाए। उसके बाद मैं उसमें डाल देती हूँ वो पनीर जो मैंने पहले से सेलो फ्राई करके रखी है वो वाला, और इसको मैं अच्छे से मिला के उसके बाद मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ में क्रश करके ऊपर में ऐसे डाल देती हूँ, उसको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ, पर ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो ये वाला जो पोर्शन है वो आप स्किप कर सकते हो, और ये भी टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा लगे कोरिएंडर तो आप डेफिनेटली इसको ऐड कर सकते हो। और इसको मैं सर्व करती हूँ रोटी, पराठा, जीरा राइस के साथ। नान भी आप खा सकते हो इसके साथ। अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट, लाइक, शेयर तो करना ही करना।